इसको, रखिए हाथ पकड़िए, खा लीजिएगा, हैप्पी दीपावली। चलिए भैया। ओ भैया, ओ भैया, हैप्पी दीपावली। ये है राज कैंपस का बैरिकेडिंग और यहाँ पर ऋषि कुमार शंकर जो है उन्हीं का ये क्या कहते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बैनर लगाया गया। खुशियों का त्यौहार दीपावली है। वाह वाह वाह, खुशियों का त्यौहार दीपावली हम सब साथ मिलकर मनाए। हाँ। किसी का दिल ना जले इस बात का पूरा ख्याल हम। श्याम बाबा का मतलब थैंक्स बोलने आए, उनको थैंक्स बोलने आए, बिकॉज ऑफ उन्हीं के बदौलत हम सब कुछ कर पा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। ये है तो अपना टावर, पर इसका पूरा नाम जल्दी किसी लोग को मालूम नहीं होगा। इस टावर का पूरा नाम है अमर गायत्री टावर। बिहार पुलिस आपकी सेवा में, परंतु भीड़ में वो भी कुछ नहीं कर पाई, वो भी असफल है। हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं मिथिला ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। अभी हैं हम लोग शिवाजी नगर यानी मशरफ बाजार में। भैया स्टैंड लगा हुआ है, भैया स्टैंड लगा हुआ है। हाँ, तो अभी हम लोग शिवाजी नगर मशरफ बाजार में और अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई घर। पहले जाएंगे गामी डिपार्टमेंटल स्टोर, या फिर पहले एक काम करते हैं, सुनो पहले मिठाई घर जाते, उधर सामान लेते हुए रिटर्निंग यहाँ पे ले लेंगे। तो शाम में मेरा और सोनू का डिसीजन ये था कि फटाका ये सब कुछ फोड़ने में कुछ सेंस बनता नहीं। एक बार फटा गया 10 रुपये, एक बार फटा बार बार गया 10-12 जाते रहता, 10-12 ऐसे ही जाते रहता, जितना बार एक बार आवाज़ किया उसके लिए पैसा जाते रहता। उससे अच्छा है कि हम ये सोचे हैं, सोनू को भी मतलब डिस्कस किया कि उस पैसा का मतलब जो गरीब बच्चे हैं जो श्याम वहीं में रहते हैं उन लोगों को कुछ डोनेट कर देंगे, कुछ खाने के लिए उनको दे देंगे। तो बिस्कुट और टॉफ़ी तो ये दोनों बांटने का सोचे हैं। अब जाते हैं गामी डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे देख लेते हैं होगा, पहले पता कर लेते हैं। अभी गामी डिपार्टमेंटल स्टोर में गए हुए थे तो इनके यहाँ है टॉफ़ी या बिस्कुट, नहीं है जो हम लोग को चाहिए वो वाला बिस्कुट नहीं है इनके पास। इनके पास है 500 रुपये पैकेट वाला ओरियो बिस्कुट। बोले भैया सबको बांटना है, किसी एक बच्चे को थोड़ी सारा दे देना है, सब में बांटना है, हम लोग का बजट थोड़ा सा टाइट है तो बजट के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, बट टॉफ़ी हो जाएगा, चॉकलेट वहाँ पर हो जाएगा। तो टॉफ़ी ले लेंगे 2 से 3 पैकेट, बिस्कुट 2 से 3 पैकेट ले लेंगे और बस चलेंगे राज कैंपस और वहीं पे डोनेट कर देंगे सबको। और बस ये कहानी था। अभी जा रहे हैं हम लोग मिठाई घर। मिठाई घर में मेन सामान जो हम लोग का क्या कहते हैं लड्डू लेना है, मोतीचूर का लड्डू, 2-4 छोटा मोटा सामान लेना है और बस वही। और सोनू साथ में आया है बिकॉज ऑफ सामान का वजन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पैदल आए हैं तो कितना भीड़ में गाड़ी ले जाना मतलब महाभारत होता था, महाभारत हो जाता है इतना भीड़ में गाड़ी ले जाना, तो इसीलिए पैदल ही आए हैं। घर के बगल में ही है तो वैसा नहीं है कि घर से दूर है मार्केट, बगल में ही है तो इसीलिए सारा सामान ले लेंगे। भाई पकड़ लिया कुछ, हम पकड़ लेंगे। पहले आपको दरभंगा टावर दिखाते हैं वहाँ का क्या हाल है। अभी तो हम पैदल हम निकल जाएंगे बट हाल देखिए पूरा जाम ही जाम है। उधर पूरा ब्लॉक है, रोड पूरा ब्लॉक है, देख रहे हैं। अभी सोनू गाड़ी लेकर गया तो क्या होता हम लोगों का, कल तक रुकल रहते। सोनू हम लोग को गाइड कर रहे हैं एक्चुअली, क्या बोले भाई साहब रास्ता दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं भाई तुम वीडियो बनाओ तुम्हारा रास्ता हम क्लियर करवाते हैं। तो भाई साहब हमको गाइड कर रहे हैं दाएं बाएं दाएं बाएं, और इधर देखिए जाम जाम, अब वो रहा दरभंगा टावर अपना। बिहार पुलिस आपकी सेवा में, परंतु भीड़ में वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, वो भी असफल है। वो देख रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप देख सकते हो बिहार पुलिस भी असफल है। मिठाई अगर आप अगर आपको जाना है तो दरभंगा टावर होके ही जाना होगा और ये भीड़ को आपको फेस करके ही जाना होगा। इस साइड अपना फूल सा बिक रहा है वहाँ पे और यहाँ पे मूर्ति सब बिक रहा है गणेश जी और लक्ष्मी जी का, सब त्योहार को लेकर के पूरा मार्केट में रौनक है। वैसे सुने थे सोनू कोई कोरोना नाम का अफवाह फैला था, सब खत्म हो गया, सब मोदी जी का बड़ा अफवाह था, तुम भी बोल दो वोटिंग के लिए था भाई। बोल रहा जी जितना भी वो था अफवाह कोरोना सब वोटिंग के लिए था, ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में भीड़ देख लीजिए आप, जानते हो ना सब ड्राइवर को ट्रोल कर देंगे। कोरोना रहता तो समझता ना भाई, बोल रहा है कोरोना रहता तो कोई समझता ना, कोई समझ थोड़ी रहा, मतलब कोरोना नहीं है चला गया। ये रहा मिठाई घर, जाके सिलेक्ट करते अपना लड्डू मोतीचूर वाला। जंग जीत के आ गए, इतना भीड़ में जंग जीत के आए हैं, लड्डू के लिए इतना भीड़ लगा हुआ है पूछिए मत। मिठाई घर में लड्डू नहीं, सारी मिठाई के लिए इतना भीड़ लगा है पूछिए मत। तो लड्डू ले लिए हैं अभी, आधा के जी ये लिए हैं, अब पान लेने जाना है, पान का पत्ता और 2-3 सामान और है। तो डायरेक्ट यहाँ इधर से मुड़ जाओ, ये है अपने दरभंगा टावर का मजार, दरभंगा टावर वहाँ पे, और इधर कृष्णा हाउस ऑफ इलेक्ट्रिक जहाँ से हम लोग का टीवी गया था, ये रहा बस यही कुछ कहानी है। तब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को मंदिर पे जाना है, कौन सा मंदिर था वो, हनुमान जी और भी बहुत सारे भगवान का ना। हाँ बस वही,
बतासा ले लेते हैं, सुनो बतासा ले लेते हैं, बतासा भी वहाँ से ले, बतासा ना भाई। हाँ बतासा कभी कभी भूल जाते हैं, हमको गजनी घोषित कर देना चाहिए। लगते भी है क्योंकि सारा कहानी मेरे माथा के साथ होते रहता है, और गजनी भी वही हुआ था। तो बस बतासा ली हैं, अब जा रहे हैं हनुमान मंदिर, महावीर मंदिर, जो भी आप बोलिए, वहाँ पे टावर के पास जो है वहाँ पे जा रहे हैं, और सब भगवान का मिला हुआ मंदिर है इसलिए हनुमान मंदिर बोलते हैं, बाकी आप लोग समझ लिए आप लोग क्या बोलते हैं। तो टावर के पास है, वहाँ जाते हैं और आराम से परचेज कर अपना पान का पत्ता, और वहाँ से डायरेक्ट सब्जी मंडी, और फिर घर निकल जाएंगे। ये है तो अपना टावर, पर इसका पूरा नाम जल्दी किसी लोग को मालूम नहीं होगा। इस टावर का पूरा नाम है अमर गायत्री टावर, और पहले इसका घड़ी चलता था, दरभंगा महाराज जब इसको बनवाए थे तब इसका क्लॉक चलता था, बट अब नहीं चलता, अभी इसको परमानेंट फिक्स कर दिया गया है। ये अपना मंदिर, और यहाँ से पान लेना है 10 रुपये का। अभी दरभंगा टावर पे हैं और हम लोग को फॉग सेट देना था, सही है ना? फॉग मास्टर वाइट, अभी विनोद स्टोर में आए हुए हैं और शॉपिंग चल रहा है धीरे धीरे अपना, क्या करते हैं दिवाली का शॉपिंग। और अंकल आपको पहले बात, हैप्पी दीपावली। थैंक यू, सेम टू यू, थैंक्स अ लॉट। मान लेते हैं और चलते हैं, अभी और भी सामान सब लेना है, संध्या पूजा का वक्त हो रहा है, भाई पूरा सहा हुआ है। तो सामान सब ले करके रख लो उसमें, चलते हैं। जब दरभंगा टावर आ ही गए हैं तो सोचे क्या कि यहीं से सारा सामान सब कुछ ले लेते हैं, और डोनेट करने के लिए सोचे थे क्या कि कुछ मतलब बिस्कुट लेने का, तो यहीं पे सारा सामान मिल रहा है तो बाहर क्यों ही जाए, तो इसके लिए अब बिस्कुट और टॉफ़ी निकलवा रहे हैं। ये तो है वो रहा। यहाँ पे दो कच्चा मैंगो लिए एक, और पूरा पैकेट चाहिए मुझे, हारिए मत। ये तो पैकेट लूज है। हाँ तो ये हो गया, एक पैकेट और दीजिए, एक पैकेट और। हाँ दो पैकेट बिस्कुट, दो पैकेट टॉफी ले लेते हैं, एक पैकेट वो तो है बाउंस ब्लैक वाला। हाँ ब्लैक वाला मिला दीजिए ना दोनों को, 10 पीस, 12 पीस आता, 12 पीस आता है, 12 उसमें डाल दीजिए। ये तो रहा, ये भी बाउंस ही है, सब मिला के दे दीजिए। ओके तो देन दो पैकेट बिस्कुट, दो पैकेट टॉफी, बस यही का। अंकल कैरी बैग दे दीजिएगा। सारा शॉपिंग हुआ कम्प्लीट, इधर है कुछ सामान भाई के हाथ में है। तो सारा शॉपिंग हुआ कंप्लीट, और अब चलते हैं हम लोग गुदरी बाज़ार की तरफ, वहाँ पर लेना है नमक और नारियल, दो चीज़ और लेना है। दिवाली में थोड़ा ना थोड़ा हो ही जाता, अभी शाम का कितना 4 बज रहा होगा भाई, तभी संध्या का 4:30 बज रहा है, और बस जा रहे हैं 5:30-5:00 बजे तक पूजा होगा। गुदरी बाज़ार में जाना एक अलग लेवल का महाभारत है। गुदरी बाज़ार का हाल देख लो आप लोग, इसमें अब क्या ही कीजिएगा, गाड़ी जो लेके आ गया उसके लिए तो अलग महाभारत होगा। अभी हम लोग का शॉपिंग हुआ कंप्लीट, और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, तो आप लोग से बाद में बात करते हैं, बिकॉज ये सामान जल्दी से जल्दी घर पे डिलीवर करना है, और पूजा पाठ जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी शुरू, अपने सुनू नहाना है, फिर पूजा पे भी बैठना है। इसमें पंडित जी आएंगे ना? नहीं घर है, अपने ही हो जाएगा ना, शाम में तो नमक वमक चलेगा ना? सॉरी, शाम में भाई खा सकता, मतलब पूजा पाठ के बाद नमक ही वो खा सकता। तो अभी चलते हैं घर पे और सारा सामान डिलीवर करते हैं, देन आराम से बतियाते हैं। अभी हैं श्याम बाबा में, और शाम का अभी कितना टाइम हो रहा है भाई मेरा? शाम का 7:17 हो रहा है, और हम और सोनू निकल गए इस बैग के अंदर, एक्चुअली वही बिस्कुट और टॉफी का जो दिन में लिए थे वही है, हम दोनों जा रहे डोनेशन करने, और लाइट का कंडीशन अच्छा नहीं इसलिए पूरा ब्लैक आ रहा है, और श्याम बाबा का मतलब थैंक्स बोलने आए हैं, उनको थैंक्स बोलने आए, बिकॉज अब उन्हीं के बदौलत हम सब कुछ कर पा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से आशीर्वाद से सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। और क्या ही बोलें, मतलब इसका हम वीडियो बनाने वाले नहीं थे डोनेशन का, बिकॉज बहुत सारे लोग बोलते हैं जब डोनेट करते दिखाते क्यों, और बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई कम से कम दिखाए कीजिए जिससे कि हम लोग कोई मोटिवेशन मिल सके, ये वीडियो दिखाने से भी अगला आदमी मोटिवेट होता है, एक मोटिवेट होता है, तो हम उसी पर्पज़ के लिए बना रहे हैं कि हम अगर कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्या सुनो, वीडियो बनाने के कारण किसी का भला हो रहा है तो वीडियो बनाना सही है। हाँ मतलब कि भाई भी यही समझाया हमको, सुनो भी 1 घंटा करके भाई बना लो वीडियो, कम से कम 2-4 लोग को ना मोटिवेशन मिलेगा, इधर सुनो 2-4 लोग को बस हो गया, 2-4 लोग को मोटिवेशन मिलेगा, बना लो अभी से एक वीडियो। हम बोले ठीक है भाई बना ही लेते हैं, और हम बस इतना ही चाहते हैं ना कि आप सब भी कीजिए डोनेट, बस इतना ही। अब चलते हैं राज कैंपस, और वहीं पर आराम से देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम होता है। Are you excited? Yes. फाइनली हम लोग राज कैंपस पर पहुंच गए हैं, अभी फ्रंट ऑफ श्यामा माई मंदिर के गेट के पास ही है, और यहीं पे जो गरीब लोग सब होते हैं सब यहीं बैठे हुए हैं, तो जो डोनेशन का सामान है पहले उसको हम अलग कर लेते हैं, बिकॉज ये है ना कि सब एक में ही मिला हुआ है, तो सब एक में मिला हुआ है तो हो नहीं पाएगा,
इसलिए पहले सबको अलग कर लेते हैं, करना दिक्कत होगा। इसके अंदर तो बिस्किट सब है और इसमें कॉफ़ी। कॉफ़ी कैसे फाड़े, जूठा भी नहीं कर सकते हैं। कॉफ़ी हाथ से फाड़ो। तो मैं काम करते हैं ना, एक पैकेट को रख लेते हैं, एक पैकेट बिस्कुट को रख लेते हैं, ठीक है, और एक पैकेट टॉफी भी रख जैसे लेते हैं। दो पैकेट है ना, दो दो पैकेट, एक एक पैकेट यहाँ बांट देते हैं, अगला रख लो, क्योंकि यहाँ पे उतना आदमी भी नहीं है और कुछ नहीं ना इसमें। बहुत है, सॉरी गलती हो गया मेरे भाई, इसमें भी और होगा। चलो चलिए, और एक पैकेट बिस्किट फाड़ दो। हाँ, एक पैकेट फट गया, तो चलते हैं, जो सबको डोनेट करते हैं। मतलब डोनेट करना था यहाँ पे कर दिए हैं, और अब जा रहे हैं मनोकामना मंदिर, वहाँ पर कुछ डोनेट करना, वहाँ के लिए भी कुछ सामान लाए। तो मनोकामना मंदिर चलते हैं, और वहाँ पर भी जितने भी लोग हैं सबका दीपावली हैप्पी मनाते हैं। तो क्या कहते हैं, दिवाली जो है हैप्पी दीपावली। तो यहाँ का हुआ चैप्टर क्लोज, अब चलते हैं मनोकामना मंदिर। अभी हम लोग राज कैंपस में और मनोकामना मंदिर गए थे, बट वो जो बैठते हैं वो आज नहीं बैठे हुए थे, जिनको डोनेट करना था। तो यहाँ पे अंकल जी हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं गार्ड शहर, और इनका शायरी वर्ल्ड फेमस होता है। क्या सर, वर्ल्ड फेमस, तुम पकड़ लो, तुम सेल्फी पकड़। तो चाचा जी एक शायरी सुनाइए दीपावली के। दीपावली कुछ कुछ भी आपने आप कुछ दीपावली पे, अभी दीपावली चला है, दीपावली खुशियों का त्यौहार दीपावली है। वाह वाह वाह, खुशियों का त्यौहार दीपावली, हम सब साथ मिलकर मनाए, किसी का दिल ना जले इस बात का पूरा ख्याल हम लोग। वाह, अरे वाह 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 वाह, क्लैपिंग तुम्हारा एक हाथ। और यहाँ पे अभी हम दोनों आए हैं बिकॉज अब डोनेट करना था कुछ मनोकामना मंदिर, वहाँ पे आज वो लोग बैठे नहीं है। और देखते पूरा राज कैंपस अंधेरा है, मतलब जो दरभंगा महाराष्ट्र मिथिलांचल को रोशनी दी, आज उनका पूरा महल वीरान पड़ा हुआ है, समझ रहा। पटना यूनिवर्सिटी, दरभंगा यूनिवर्सिटी, लेकिन हर जगह वो अपना मतलब क्या कहते हैं छाप छोड़े, एक मिथिला को एक नया दिशा दिए थे। आज उनका पूरा क्या बोले, आप देखिए आप पीछे देखिए, लगभग पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कुछ आपको लाए रोशनी ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। और इस साइड अपना संस्कृत मिथिला यूनिवर्सिटी, जो कि पहले मतलब क्या महल था, वो जो ग्लो कर रहा है, वो जो क्लॉक आप देख रहे हैं अभी रिसेंट में वो रिपेयर हुआ है, उससे पहले वो भी अंधेरा था। तो आप क्या ही हम बोले, मतलब ना रोड सही है ना आप उधर कुछ मेंटेन कर रहे हो, ये सब बहुत गलत है यार। कम से कम इस सब को सही करना चाहिए, और मिथिलांचल के मतलब मिथिलांचल को जो एक नया दिशा दिए थे, कम से कम उनके महल को रोशनी करना चाहिए दीपावली में, जो कि हमको नहीं लगा दीपावली को लेकर कुछ स्पेशल हुआ है, सब वैसा का वैसा ही है और अंधेरा का अंधेरा ही है। अब चलिए ढूंढते हैं, सुनो जिसके लिए आया जो काम है हम लोग का में, उसको ढूंढते हैं और चलते हैं। रिसेंटली अभी एक हमारे बिहार के सपूत जो कि शहीद हुए थे, ऋषि कुमार रंजन, जो कि बेगूसराय के थे भैया, अगर हम गलत नहीं तो। और भैया आप आईटी में नहीं आ रहा है, आईफोन है भैया, ये अंधेरा में भी कर देगा। तो हमको ये सही लगा भैया, आपका नाम, भैया आपका शुभ नाम बताया तो जयशंकर, ऑन कैमरा बताया जयशंकर, भैया का नाम जयशंकर है। और ये मतलब कि बहुत प्राउड फील होता है कि यूथ, अब युवा ही है तो यूथ सब मतलब ऐसे इनसे मोटिवेट होते हैं, इनसे प्रेरणा लेते हैं, और बाइक के ऊपर ये लगाए हैं तो देखिए बहुत सही लगा। तो दो मिनट सोचे आप लोग को दिखा देते हैं, और भैया सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दीपावली सभी लोग को, और एक बर्थडे वाले भैया थे, भैया हैप्पी बर्थडे आपको। हाँ, तो बहुत सही लगा भैया, आप ही लोग से मोटिवेशन मिलता है हम जैसे यूथ को, बिकॉज आप बड़े हैं तो आपसे ही हमको सीखना है। ये है राज कैंपस का बैरिकेडिंग, और यहाँ पर भी ऋषि कुमार शंकर जो हैं उन्हीं का ये क्या कहते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा बैनर लगाया गया। क्या करता, पहले तो आप मुंह साफ कर लीजिए, आपका पूरा केक लगा हुआ है उस साइड, उस साइड अंकल, इस साइड, इस साइड। और इन पे गर्व है, ये बिहार के सपूत हैं, और क्या ही बोले, भारत माता की रक्षा करते करते ये शहीद हो गए। भाई दूसरा पैकेट फाड़ दो भैया। ओ भैया, ओ भैया, हैप्पी दीपावली ट्रॉफी भी है, रखते हैं। सोइए, रिकॉर्ड लीजिए, खा लीजिएगा, ठीक है, हैप्पी दीपावली। चलिए भैया खा लीजिएगा, हैप्पी दीपावली भाई। क्या हुआ, अभी है दे दो यार, ये भी सेगा अजीब टाइप का क्वालिटी, और उसका लाइट है ना अल्ट्रा वाइड में ना है ना, समझ रहे हैं, टॉफी और होगा मिलने का।
आई थिंक अब सोनू दूसरा पैकेट खाना पड़ेगा कभी कभी। सबका दीपावली हैप्पी बनाने की हम लोग हैं और मिथिला ब्लॉग्स है, तो किसी भी जरूरत का अगर आप देखें तो अभिषेक सिंह को बताइए, अभिषेक सिंह उसका पक्का मदद करेगा। और इस लाइक को अभिषेक सिंह को बना ही दिया को किसी दूसरे का मदद कर सकते। तो सोनू अभी आपके हाथों में, आप सबको एक एक करके डोनेट कीजिए, लीजिए भाई साहब को दीजिए। चलिए सोनू डस्टबिन में इसको फेंकेंगे, ठीक है सुनू पन्नी दे दो, अभी रहने दो झोले में, इनको दे दो। चलिए आप इसको डस्टबिन में फेंकिएगा, पन्नी को पन्नी डस्टबिन कूड़ेदानी को फेंक दीजिए ना, कूड़ेदानी में इसको पन्नी को कूड़ेदानी में फेंकिएगा, ऐसे स्टेशन में गंदगी नहीं मचाना है। कहिए चलिए हो गया ना, हैप्पी दीपावली, ठीक है चलिए। आराम से गिर रहा है, गिर रहा है सब, गिर रहा है, गिराइए मत उस साइड, देखिए वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे गिरा, वहाँ पे वहाँ पे लीजिए आप, लीजिए दो दो खाने के लिए दो इनको, इसको रखिए हाथ पकड़िए खा लीजिएगा, हैप्पी दीपावली। चलिए घर का कार्यक्रम दीपावली का कंप्लीट हुआ, बिकॉज मनोकामना मंदिर पे कोई थे नहीं बैठे हुए, तो स्टेशन पे आए पूरा इधर, तो पूरा तो इधर मतलब सबको डोनेट कर दिए, जितना था हम लोग के पास सब कुछ डोनेट कर दिए हैं। अब हम लोग घर जा रहे हैं, हम लोग यानी मैं और सोनू दोनों, और बस यही कहानी है, घर तो नहीं जा रहे फिलहाल, टावर जा रहे हैं, टावर था देखते हैं, और उसके बाद घर, उसके बाद घर जाएंगे, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, देन आराम से घर चल के आपसे बातचीत करेंगे। अभी हैं हम लोग दरभंगा टावर के पास, इसका पूरा नाम है अमर गायत्री टावर, और दिवाली एक्चुअली लाइट का फेस्टिवल है, ये फटाका ये वो धूम धड़ाम का नहीं, वो लोग खुशी होता है, सबका अपना अपना श्रद्धा होता है, सबका अपना अपना मनाने का तरीका होता है, बट मेन जिसका मोटिव है ये लाइट का फेस्टिवल है। और इस बार तो मतलब क्या ही बोले कि चाइनीज़ लाइट को बहुत ज़्यादा ये वाइट किया गया है, और खान सर का वीडियो देखने के बाद पता चला था कि मतलब चाइना का लॉस भी बहुत बड़ा हुआ, तो देख करके अच्छा लगता है कि कम से कम इंडिया के लोग जागरूक हो रहे हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं। और तो आज का दिवाली ऐसा रहा कि दिन भर अपना साफ सफाई काम हुआ, फटाका उटाका तो फोड़े नहीं, मतलब डायरेक्टली मेरा ये था, मेरा प्लान कि हर गरीब में जा करके पहुँचाना है, कुछ से कुछ मतलब खाने पीने वाला कुछ बांटना है, तो मतलब क्या कहते डोनेट किए और हल्का फुल्का वीडियो इसलिए रिकॉर्ड, बाकी तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, हल्का फुल्का इसलिए रिकॉर्ड किया बिकॉज ऑफ आप तक एक मैसेज पहुंच सके कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो इसीलिए जस्ट आपके पास आपको दिखाएं वीडियो के थ्रू कि आप लोग भी कुछ से मतलब कुछ डोनेट किया कीजिए, और क्या कहते हैं उसको गरीबों का हेल्प किया कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए, अब उन लोग का दिवाली सचमुच का हैप्पी हो गया होगा। तो ये हुआ, दोनों भी कुछ डोनेट किया, कुछ हम भी डोनेट किए, और अच्छा रहा, बस इतना ही कहना था। और यहाँ पे मतलब पूरा पुलिस फोर्स तैनात है दरभंगा टावर पे, और हम लोग का तो मतलब क्या ही बोले, दिवाली बहुत सही रहा, और टावर पूरा अंधेरा ही अंधेरा, लाइक ये काला भुजंग काला है। चलिए अब वीडियो ख़त्म करते हैं, बिकॉज अब बहुत लंबा ड्यूरेशन हो चुका है वीडियो का, तो उम्मीद करते हैं आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल या सुझाव या फिर नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स जाए कमेंट कर दीजिए एक अच्छा सा प्यारा सा। तो बस इतना ही कहना था, तो फिर मिलते हैं आपसे, रख लेना है वीडियो में, तथा के लिए जय हिंद वंदे मातरम, तथा के लिए जय हिंद वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, बस।